नमस्कार दोस्तों, आपका बायोपीडिया पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम एम्बर हर्ड है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एम्बर का जन्म 22 अप्रैल 1986 को टेक्सास यूएसए में हुआ था। यह वहीं पर ही पली बड़ी। इनका डेब्यू एक छोटे से सपोर्टिंग रोल से हुआ था, फ्राइडे नाइट लाइट्स फिल्म से। यह मूवी 2006 में आई। इन्होंने ऐसे ही और छोटे छोटे रोल्स किए और 2006 में इन्हें लीडिंग रोल मिला हॉरर मूवी ऑल द बॉयज़ लव मैंडी लेन में, पर यह मूवी 2013 तक रिलीज़ ही नहीं हुई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की वजह से। इनका अगला मेजर रोल 2007 में आई CW सीरीज़ हिडन फार्म्स में था। 2008 में इन्होंने अपने करियर की दो हिट मूवी दी लगातार, एक एक्शन फिल्म नेवर बैक डाउन और दूसरी स्टोन्स कॉमेडी पाइनएप्पल एक्सप्रेस थी, और यह दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रहीं। उसी साल एम्बर को पहला अवार्ड भी मिला यंग हॉलीवुड अवार्ड्स की तरफ से। एम्बर लगातार मूवीज़ में काम करती रहीं। 2008 द इन्फॉर्मर्स, 2009 द स्टेप फादर, 2009 ज़ॉम्बीलैंड, 2011 में इन्होंने निकोलस केज के साथ ड्राइव एंग्री मूवी और जॉनी डेप के साथ द रम डायरी मूवी में काम किया। दोनों ही मूवीज़ कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहीं बॉक्स ऑफिस पर। 2014 में 3 Days to Kill, मैजिक माइक डबल XL और द डेनिश गर्ल 2015 में ही यह इंडी फिल्म एडरल डायरीज में भी आई। यह फर्स्ट में एलेजांड्रो मोंटेवर्ड के साथ रिलेशन में थी 2004 से 2005 तक। वेलेंटिनो लेनस के साथ यह 2005 से 2006 तक थी। सीन फेरिस के साथ यह 2007 से 2008 तक थी। टासिया वेनरी के साथ यह 2008 से 2012 तक थी। जॉनी डेप के साथ यह 2012 से 2015 तक थी। उसके बाद इनका डाइवोर्स हो गया था। फिर यह इलॉन मस्क के साथ 2016 से 2008 तक रिलेशन में थी, और अब यह वीटो शिनाबल के साथ रिलेशनशिप में है 2018 से। यह फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने DC कॉमिक्स की मूवी एक्वामैन में भी काम कर रखा है। इनकी सालाना कमाई $9 मिलियन से भी ज़्यादा है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।